मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयंत कुमार मलिया ने परशुराम भवन का निरीक्षण किया और इस दौरान विप्र समाज के वरिष्ठ जनों की मौजूदगी के बीच ये बात भी निकलकर सामने आई कि परशुराम भवन का शीघ्र ही शुभारंभ भी किया जाएगा, लोकार्पण भी किया जाएगा। मालूम हो कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया के प्रयासों से परशुराम भवन का यह भव्य निर्माण हुआ है। ऐसे में यहाँ पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विप्र समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही और सभी की उपस्थिति के बीच इस भवन का आगामी दिनों में लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर के कार्य योजना भी तैयार की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हाँ भैया, के द्वारा तो भैया सबको दिया गया है। और इसके बारे में जैसे बाजू में ज्योति समाज की भी भवन दिया है, ज्योति समाज को भी दिया पर इसी तरीके से कमेटी हो, ब्राह्मण समाज की वो इनको अपन दे दें, जिससे उसके बाद उनके पहले ही मतलब मेंटेनेंस वगैरह सबका उसकी जवाबदारी दें। आजकल ये भी बहुत चल गया है, जगह जगह आपने देखा होगा। परशुराम भवन के लिए जगह की और अच्छा है हमारे समाज के लिए भवन तैयार हो सके, जहाँ पे हमारी पूरी गतिविधियाँ जो समाज की होती हैं, शादी विवाह है और छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं उनके लिए जो लगातार जैन भैया से जब भैया मंत्री तो स्वयं मान की गई, तो राज्य में ये बड़ा हर्ष है कि आज समाज के सभी वरिष्ठजनों के सामने आ जाए जैन भैया। लगभग जब भवन पूरा होने वाला है एक बार और निरीक्षण के लिए आए हैं। नाली या सीसी रोड इधर साइड में करना है, प्योर ग्लास करना है, वो सब लगा देंगे। चाहे उधर भी खाना वाना जैसे बनेगा तो खाना वाना बनाने का और सब ठीक रहेगा, तो उसमें प्योर ग्लास वगैरह लगा देंगे तो कम्प्लीट सामने में सीसी रोड बाहर की उस तरफ सही कर देंगे। और उधर अभी ये थोड़ा शांत हो जाए, लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा सा काम शेष रह गया। और मैं समझता हूँ जैसे सीएमओ साहब ने, सिंह साहब ने बताया कि अगले 15-20 दिनों में ये पूरा हो जाएगा, इसके पश्चात फिर इसका लोकार्पण करके यह जो भवन है परशुराम जी के नाम से जो है परशुराम भवन, ये समाज के लिए दे दिया जाएगा और फिर समाज इसकी पूरी देख रेख इसका सब पूरा काम करेगा। हमारे ज़िले में इसके बाजू में आप देखते हैं लोधी समाज के लिए भी एक भवन बनाया गया था, उसकी देख रेख वो कर रहे हैं और भी अलग अलग समाजों के लिए इस प्रकार से भवन बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए तो कई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भवन बने हैं और एक मंगल भवन भी उनका यहाँ पर कचौड़ा में बना है, जिसमें हर समाज का व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। ये बन जाने से समाज की जो एक्टिविटी है, शादी ब्याह है, इसमें
काफ़ी इससे लाभ मिलता है, लोगों को राहत होती है। मैं समझता हूँ ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो ब्राह्मण समाज के लिए एक ही उपयोगी जगह बन जाएगी।